यान्ति देवव्रता देवान प्रत्यंत यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जनोमिपाम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि भूत प्रेत मुर्दा खुला या दफनाया हुआ अर्थात कब्र को सकाम भाव से पूजने वाले स्वयं मरने के बाद भूत प्रेत ही बनते हैं। आपने प्रश्न के साथ एक चीज जोड़ी, क्या कोई धर्म विशेष या उसकी चर्चा है? इसमें चर्चा तो हर चीज की है, क्योंकि आपके लिए जो औषधि डिजाइन है वो आप ही के लिए डिजाइन है, आपकी औषधि इनके लिए नहीं है। आप अगर सनातन में हैं तो आपको सनातन पूजा ही लगेगी, आपको दूसरी पूजा नहीं लगेगी। अरब में रहने वालों के लिए अरब की पूजा मेन है, उनके लिए वो फ्रूटफुल है, हमारे लिए ये फ्रूटफुल है। कश्मीर में रहने वाले के लिए कश्मीर की पूजा होगी, रेगिस्तान में रहने वाले के लिए वहां के स्थानीय जो भी है, आप समझ रहे हैं। भगवान ने गीता में ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि उनको मालूम था लोग ये गलतियां करेंगे। हमारे यहाँ चीजों को बहुत आसानी से मूव करवा दिया जाता है, और हिंदू धर्म का दर्शन है कि सर झुकाने में कोई बुराई नहीं है, कहीं भी जहां है झुका लो, लेकिन कहां? आप इसको समझें, बहुत कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। 12 अगस्त 1997 गुलशन कुमार की हत्या होती है, और जिसने हत्या की साजिश की वो देश छोड़ के भाग गया, ठीक है। इसके ठीक 6 महीने बाद 1998 में बाबा भगवान में बदल जाते हैं। 1970 तक वहां एक कब्र हुआ करती थी, मूर्ति नहीं थी, और वो मूर्ति वो कब्र मूर्ति में बदल जाती है। समझिएगा बात को, यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको तथ्यों के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। इसके बाद 1999 में एक मूवी आती है बीवी नंबर 1 है, वैसे तो है ही बीवी नंबर 1, जिसमें पहली बार साई के साथ ओम साई राम जोड़ा गया। किसकी देन थी? ये बॉलीवुड की देन थी। साईं का महिमा मंडन किसने किया? जिसको कोई नहीं जानता था, अमर अकबर एंथोनी, एक फिल्म। उस फिल्म में उस समय देश के 3 श्रेष्ठ कलाकार थे। आज अगर मैं किसी चीज की प्रमोशन करने बैठूं और मुझे उन कलाकारों को अगर साइन करवाना पड़े तो करोड़ों रुपए लग जाएंगे उनको एडवर्टीजमेंट के लिए बुक करने में। लेकिन जिन लोगों को मालूम था कि सनातन धर्म को कैसे तोड़ा जा सकता है, इनके बीच में सेंध कैसे लगाई जा सकती है, उन्होंने उनका चुनाव किया, और उन तीनों अभिनेताओं से उन्होंने कव्वाली गव्वादी श्रेडी वाले, और वो रातों रात जनमानस के ऊपर छा गई और रातों रात तस्वीरें लटक गई। लटकी थी ना, उसके पहले नहीं लटकी थी, सिर्फ प्रचार था, नॉर्मल प्रचार था, लोग नहीं जानते थे, लोग इतना जानते थे हाँ संत हैं सारी चीजें हैं। अब जब ये मूवी आती है तो उस फिल्म को जो लोग देख रहे थे वो ये समझ ही नहीं पाए कि 18 सालों से जिसको वो सिर्फ बाबा कह रहे थे वो अब सोई ओम साईं राम हो गए। कभी आपने इसका दर्शन किया? नहीं किया। यानी लोगों को उन्होंने भगवान कहलवाना शुरू कर दिया कि ही इज द परमात्मा। और फिर तथाकथित अब जो आंदोलन हुआ, लोगों ने जाना, लोगों ने समझा, बहुत सारी बातें हुई। असल में इस बात को समझना और जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आज प्रत्येक जनमानस के बीच में ओम साईं राम चला गया, आप चाहकर भी उसको नहीं हटा सकते, आप चाकर भी नहीं हटा सकते। और अगर हटाने जाऊंगा तो मैं दुनिया का सबसे बेकार आदमी कहलवाऊंगा लोगों की नजर में, स्थिति ऐसी हो गई है। लेकिन समझना इसके भी पहले से है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। 1977 के
साल में दो फिल्मों का आगमन हुआ, उसमें जब अमर अकबरी एंथोनी भी आई थी तो उसने रातों रात प्रचार तो कर दिया, लेकिन शिरडी से एक किताब निकलती है जिसका नाम है साई चरित्र, शिरडी वालों ने निकाली है। उसमें लिखा है कि यह आदमी प्रत्येक कोई विशेष दिन चावल और मांस बांटता था, यह मैंने नहीं कहा, उस किताब में लिखा है। आपका कौन सा भगवान है चावल और मांस बांटता है, आपसे पूछता हूं, नहीं मैं जनरल बात, आई एम जस्ट आस्किंग, प्रश्न निकला है तो बात दूर तक जानी चाहिए। आपके सनातन में कौन सा देवता यह कहता है कि चावल और मांस बांटू, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो फिर जो कह रहा है उसको आप परमात्मा कैसे मान बैठे, फिर आप परमात्मा कैसे मान, फिर आपको परमात्मा की नॉलेज है क्या, आपको परमात्मा की कितनी नॉलेज है, हाथ में दिए, मैं भी ऐसे ऐसे बाबा है जो हाथ में नहीं जवान पे दिए चला देंगे, सर पे चला देंगे, इसको चमत्कार कहते हैं, इसको ट्रिक कहते हैं, ट्रिकों से बचो। एक जादूगर अभी मैं बुला दूंगा यहां पे, कल ही फोन करूंगा, परसों आएगा, आप ही की जेब से आपके पैसे निकाल लेगा, मेरी बात, इट्स अ ट्रिक। उस समय के लोग सीधे साधे, वो भी महाराष्ट्रियन, अरे उस समय वहां 8 संतों का परचम था, महाराष्ट्र के लोग भक्ति में डूबे हुए थे, उस समय को बुनाया गया, और अब तो कोर्ट में सिद्ध हो गया, अब तो कोर्ट में सिद्ध हो गया, वही व्यक्ति जो केस लड़ रहा था साईं साईं ट्रस्ट की तरफ से, उसने क्षमा मांग ली, साहब मैं तो गलत साबित हो गया, ये तो मैं भी गलत पूजा कर रहा था, उसने भी मान लिया। तात्पर्य यह नहीं है, तात्पर्य यह कि भगवान कौन है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं कि अगर मान लीजिए वो आपके बाबा जी जो भी थे, कोई भी धर्मगुरु, कोई भी बाबा जी, क्या ये चाहेंगे कि भगवान के बगल में मेरे को बिठा दो, मेरा प्रश्न है आपसे। कोई भी संत, ओरिजिनल संत, ये चाहेगा कि मेरे को भगवान के बगल में मूर्ति पे बिठा दो, सेम स्टेज पे, क्या कभी आपने देखा? लेकिन इस देश के अंधविश्वास ने ये सब करा दिया। आपको एक चीज बताता हूं, मैंने व्यासपीठ से भी ये घोषणा की, मैंने कई बार बोला, अगर आप मुझे ये भी कहें ना, मेरा एक ही, मेरी रात दिन मेरे दिमाग में एक चलता है, मुझे आश्रम वृद्धाश्रम जो मेरा है, मेरे लिए मैं उसी के लिए कथा करता हूं, और जो मिल जाता है वो वहां लगा देता हूं। अगर कोई मुझे ये कहे ना कि जी मैं आपको 5,000 कमरों का आश्रम बना के दे रहा हूं, आप आओ साई मंदिर में कथा कर दो, तो 8 नंबर की आती है मुझे, वही उठा के फेंक के मार दूंगा उसको, मुझे नहीं चाहिए, मैं सनातनी हूं, मुझे अपने वेदों पे पुराणों पे भरोसा है, और जिनको उन पे भरोसा है वो उस पे भरोसा करें, वो उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, मेरे लिए नहीं हो सकते। मेरे लिए मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव, मेरे परमात्मा बहुत है ना, काय को दिमाग लगाऊं मैं। अब ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं इस बात को, आप अगर आप प्राचीन व्यवस्था से ही आपके यहां समाधि पूजन हो रहा है तो आपको वो हो सकता है फायदा कर दे, लेकिन जिनके यहां नहीं हो रहा उसको कैसे कर देगा? और वो तो भगवान साहब कह रहे हैं सकाम भाव से आप पूजोगे आपको दिक्कत होगी, सकाम भाव से आप पूजोगे आपको दिक्कत होगी। प्रॉब्लम ये है, ये जो लाइव चल रहा है मैं बोल रहा हूं, ये जो सनातनी है ना, इसका कोई ईमान धर्म ही नहीं रह गया। भगवान का भग क्या है उसको यही नहीं मालूम, किसी को भी भगवान मान लेता है। अग्नि वायु आकाश जल पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार जिसने थाम रखे हैं वो परमात्मा है, और इसका दर्शन हमारे को देवताओं ने बताया। जब भगवान श्री कृष्ण धरा पर आते हैं तो वो 6 दिन में पूतना मार देते हैं, वे 7 वर्ष के जब होते हैं तो पहाड़ उठा लेते हैं, वे 1 वर्ष के होते हैं तो अंतरिक्ष में चले जाते हैं व्योमासुर के साथ में, वे यमुना जी के अंदर जाके काली नाक से लड़ते हैं पानी के अंदर जाकर, वे वहां जो दावाग्नि अग्नि लग गई थी, पूरा जल गया था पूरा जंगल, उसको खड़े होकर ऐसे फूंक मार के पी लिया। जिस समय तथाकथित जिसकी आपने चर्चा की वो यहां पर थे धरा पर, उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे, और कहते हैं जब परमात्मा आता है तो अधर्म को मिटाने के लिए आया, कौन सा अधर्म मिटा दिया?
दीपक जलाना। अगर आप इसको कह रहे हैं दीपक जला लेते हैं, तो मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूं, चमत्कारों से बचो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बाद के पास उनका एक एक शिष्य आया, सुनिएगा अच्छे से। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास उनका एक शिष्य आया, बोला मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। बोला क्या कर लिया? बोला रात्रि में आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो उसने रात में यहां से प्रकाश पैदा कर दिया और रास्ता दिखने लगा। बोला मैंने टॉर्च पैदा कर दी, मींस मैंने प्रकाश पैदा कर दिया। रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं ये दिखाने लाया था तू मुझे? अरे बोला मैंने रोशनी पैदा कर दी, आप कह रहे हो कि? बोला ये काम, उस समय रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं ये काम तो 3 पैसे की टॉर्च कर सकती है, तूने कौन सा बड़ा काम कर लिया? आप समझे मेरी बात को? रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं जितना प्रकाश तू, इतनी ताकत लगाई तूने इस काम में, ये तो 3 पैसे की टॉर्च आती है वो कर लेती है, ये कोई चमत्कार है क्या? कोई बड़ी बात है क्या? प्रॉब्लम ये है कि आप चमत्कारों में जी रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, किसी ने दीपक जला दिया, किसी ने जिक्र, ये सब आपने सुन रखा है। मैं कह रहा हूं सब कुछ है, इससे क्या हो गया? हाँ, मैं तब मानता जब वो रोज रात को सोते तो सुबह हजारों घरों में अन्न भर जाता, तब मैं मानता। तो मानता हाँ, भगवान, भगवान तो यही करता है ना, भगवान तो यही करता है। लेकिन उस समय लोग मर रहे थे, गुलामी थी, क्या आजाद करा दिया आपको? हमारे ऊपर शासन था ना, क्या आपको आजादी मिली? क्या आपको चीजें मिली? नहीं मिली। भगवान वही है जिसके पास ये 8 भग हैं, वही भगवान है। पूजना किसको ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसे तो आप किसी भी चीज को पूज सकते हो, पूजने में बुराई नहीं है। भगवान ये भी कह रहे हैं तुम जो पूजोगे, पूजा मुझ तक आएगी, पर जो पूजोगे उसी के अनुसार मैं रिजल्ट भी दूंगा। ये बात समझनी बहुत जरूरी है आपको। पूजना किसे है, इसी के लिए ये कथा हो रही है। हम भटक गए हैं। धन्य है वो लोग जिनको गोविंद कृपा देते हैं और इस तरह की कथाएं होती हैं जिससे समाज का कल्याण होता है, जागृति आती है, इसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में ये कथा जा रही है, कितने लोगों को लाभ मिल रहा है विचार कीजिए। इसको बोलते हैं महान ज्ञान यज्ञ, इसे ज्ञान यज्ञ कहा गया है। और दुनिया में जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक आप महान नहीं हो सकते। इसलिए इन चीजों को समझना और जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिनके लिए जो पूजा निर्धारित है वो उनके लिए पूजा कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। जिनके यहां भूत प्रेतों की पूजा है वो भूत प्रेतों की करेंगे, जिनके यहां यक्षों की पूजा है वो यक्षों की कर रहे हैं, जिनके कुछ अलग अलग जिसका जो है कर रहे हैं उसके अनुसार मिल रहा है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन आप सोचो हम कर लें, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस बात को समझना हम सबके लिए हमारी जिम्मेदारी है, हम समझें। अगर हम भटकते रहेंगे तो जीवन में भटकाव रहेगा और हम कभी भी स्थायित्व को नहीं पा पाएंगे। स्थायित्व जीवन में बहुत जरूरी है। एक साध है सब सदे, सब साधे सब जाए। हमारे एक शब्द आया अनन्यता, अनन्य, जो कोई अन्य को ना देखे, एक ही को देखे, एक ही को साधे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोए, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मीरा कह गई, और मीरा ने कृष्ण में से कृष्ण चुना। आप तो कृष्ण को नहीं चुन पाए, उन्होंने कृष्ण में से कृष्ण चुन लिया। कृष्ण में भी कौन सा कृष्ण जिसने गिरधर उठा रखा है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोए, जाके सर मोरो मुकुट मेरो पति सोए। आप चुनिए, आप चुनिए, अपने गोविंद को तो चुनो, किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा। अब बात वही जो कल चल रही थी कि हमारे मंदिरों को घर के अंदर के जो मंदिर है वही कुंभ का मेला लग रहा है, और किसी का तिलक छूट गया, किसी की चिरौंजी छूट गई तो रात भर नींद नहीं आ रही। आज उनको चिरौंजी नहीं लगी, आज उनको कम पड़ गया, अरे राम 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 राम। वो पितर जी को ये नहीं दिया, वो उनको नहीं दिया, वो गणेश जी छूट गए आज। रखे ही क्यों जो छूट जाए, एक ही रखो ना, एक ही रखो। कहने का तात्पर्य है कि इतना भंडारा कर क्यों रखा है?
ये समस्या भाव से नहीं चलेगा। भाव एक ही जगह दिखा दो आनंद बरस जाएगा, भाव भी दिखाना है तो एक ही जगह दिखा दो, क्या बुराई है। अनन्य होइए, अनन्य एकाग्र होइए, और जिस दिन आप एकाग्र हो जाएंगे उस दिन प्राप्ति भी हो जाएगी, तय मान के चलिएगा, हो जाएगी।